हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे स्पेशल खाना बन रहा है जी, स्पेशल ओकेजन के लिए। तो सबसे पहले खाना देखते हैं, फिर ओकेजन देखेंगे। तो ये यहाँ पे आपको दिख रही होंगी मिर्च, लहसुन, अदरक थोड़ी सी और पुदीने की पत्तियाँ। तो इनको बहुत अच्छे से ऐसे हमें कूट लेना है, ठीक है। और इसके बाद ये जो पेस्ट बन गया थोड़ा सा, ये एक्चुअल में बहुत टेस्टी लगेगा। ये हमने डाला दही में, दही है हमारे पास, और इसके अंदर हम डालेंगे अब खीरे। तो ये खीरे का रायता बनाया जा रहा है, जो कि मैंने चुकंदर भी जो है वो कट कर, मतलब ऐसे कद्दूकस कर रखा है। किस लिए कर रखा था? मैंने आटे में डालने के लिए कर रखा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा कलर आ जाए इसलिए थोड़ा सा इसमें भी डाल दिया। चुकंदर को हम सैलेड की तरह भी खाते हैं ना, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें डाल दिया। उसके अलावा जो है, अब इसमें धनिया, काली मिर्च, काली मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और थोड़ा सा जो है हमारा चाट मसाला जो है वो डालना है, और नमक डालना है। तो इसमें आप, क्योंकि लाल कलर हमारा आ ही गया है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी काली मिर्च और ये हरे वाली मिर्च के बाद लाल वाली मिर्च डालने की। और ये रायता हो गया हमारा परफेक्टली रेडी। ये आटा है, आटे में हम जो है क्या डाल लेंगे, जो मैंने कद्दूकस करके रख रखा था अपना बीटरूट, चुकंदर। तो बच्चों के लिए ज्यादा हेल्दी रहे ये, अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो आप इस तरीके से चुकंदर उनको दे सकते हैं खाने में। और यहाँ पर थोड़ा सा पनीर है, शिमला मिर्च है, प्याज, टमाटर और मशरूम। सो ये स्पेसिफिकली हम जो है आज अच्छी सी ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे। अमित को ज्यादा ग्रेवी पसंद नहीं है, इसलिए मैं ग्रेवी में, मतलब ग्रेवी में बहुत ज्यादा टमाटर प्याज अब नहीं डालती। पहले मैं ग्रेवी ज्यादा बनाती थी, बट अब मैं ग्रेवी में ये दो छोटे प्याज हैं, अगर बड़ा प्याज है तो एक भी चलेगा, और उसका डबल टमाटर। तो छोटे प्याज थे तो हम दो का एक ही लगा सकते हैं, और दो टमाटर, ये चीजें मैंने कट करके रख रखी हैं। नमक डालेंगे इसमें तो जल्दी प्याज भुन जाता है कंपैरेटिवली। अगर आपके पास टाइम है तो आप शांति से भी उसको भुनने दे सकते हैं। जब ये हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे मसाले वगैरह टमाटर से पहले, ठीक है। सो वही काली मिर्च, धनिया पिसा हुआ, मिर्च। अब आप मिर्च कैसे डालना चाह रहे हैं वो आप देख सकते हैं, तीखा जैसा आपको करना है। मैंने आज तीखे वाली भी डाली है मिर्च, और थोड़ी सी लाल मिर्च जो है कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली, बेगी मिर्च, ठीक है। सो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और उसके बाद इसके ये जो मसाले हैं ये जब पक जाएंगे तब हमें इसके अंदर जो है वो टमाटर डालना है। एंड ट्रस्ट मी, काली मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पता नहीं क्यों मुझे आजकल बड़ी पसंद आ रही है काली मिर्च। तो जब ये अच्छे से हो जाए तब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अब हमें इसको थोड़ा सा अच्छे से पकने देना है, ताकि ये टमाटर और प्याज जो है अच्छे से बन जाए, ताकि हम इनका पेस्ट बना सके। सो अच्छे से इनको हो जाने दीजिए, ढक दीजिए, और ये देखिए ये हो गए हैं अच्छे से। अब इनको हमें क्या करना है, मिक्सी में डालना है, पेस्ट बनाना है। पहले मैं पेस्ट के दौरान ही थोड़ा सा पानी डाल देती थी, तो वो जो है लिक्विड बन जाता था कंपैरेटिवली ग्रेवी, बट अब मैं नहीं डालती उसमें, क्योंकि अमित को कम ग्रेवी पसंद है। सो अब इसमें पनीर, शिमला मिर्च, ये दोनों चीजें हम पहले कर लेंगे, थोड़ा सा तेल या घी डाल के उसी में ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको दूसरा बर्तन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो सोते कर लेंगे अच्छे से, जब ये अच्छे से हो जाए तब हम इसके अंदर जो है मशरूम डालेंगे, क्योंकि मशरूम अपना पानी छोड़ देते हैं। सो जब मशरूम अगर पहले डाल दिए तो थोड़ा सा पानी पानी आपको दिखेगा, जिसकी वजह से जो अपनी शिमला मिर्च है और जो पनीर है उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने ये बेगी मिर्च वापस से डाल दी है, और इसको सोते होने देना है। आप ढक के बनाएंगे तो वो पानी थोड़ा सा छोड़ देगा और जलेगी भी नहीं सब्जी, अगर आपने ओपन में बनाया इसको तो थोड़े से जलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसको ढक के किया है मैंने, देखिए थोड़ा थोड़ा पानी आपको दिख रहा होगा। सो वो पानी के ऊपर अब हमने डाल दिया है ग्रेवी, और वो वाला पानी मतलब मशरूम ने जो पानी छोड़ा है वो ही रहेगा। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको थोड़ी ज्यादा लोगों के लिए बनानी है तो ऑब्वियसली आप ग्रेवी थोड़ी ज्यादा बना लीजिए। एंड ये बन गई है हमारी सब्जी, और खाना हो गया है हमारा रेडी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। अमित थोड़ा बिजी है और आज हम मंडी गए थे तो हम लेट भी हो गए, अब 8 बजे वाली विंडो तो गड़बड़ हो गई आज, ठीक है। और अमित हाथ धो के आएगा अगर ये हमारी रिक्वेस्ट मान जाए तो, ठीक है। बहुत ज्यादा पसीने आ गए थे मुझे खाना बनाते हुए, फिर मैं फटाफट ना के आई हूँ। और ये देखिए मैंने क्या बनाया, आपको वैसे तो पता है पर मैं फिर भी दिखा देती हूँ। तो अमित आए तब तक मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। ये देखो कितनी यमी यमी सब्जी बनाई मैंने, और ये रायता तो और भी यमी लग रहा है। ये देखो कितना टेस्टी लग रहा है ये, और मैंने अलग तरीके से बनाया ना, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। फ्रेम में आ गया अमित, फ्रेम में भी आ गया, हाथ धो के भी आ गया अब। ओरे वाह, मुझे पता था यही रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अमित को नहीं पता था मैं क्या बना रही हूँ। अमित ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से पार्टी है,
ऐसा इंसान और ऐसे पति हैं ये पूछते भी नहीं कि ये पार्टी बोल रही है तो क्यों बोल रही है। ओ भाई बस इसको खाने से मतलब है, इसको किसी चीज से लेना देना नहीं कि इसने बोला कि पार्टी है तो क्यों है। तुम खा के देखो अब ये बहस करेगा, यूं अभी भी नहीं पूछा इसने पार्टी किस चीज की है, मुझे गुस्सा आ जाएगा तब पूछेगा ये। पार्टी किस चीज की है? सारा मूड खराब कर दिया। पार्टी किस चीज की है? रैना के इंगल गेट लर्निंग के 80,000। तो मैंने सोचा मैं अमित को पार्टी दे देती हूँ। पता नहीं दोस्तों वो दिन कब आएगा जब अमित मुझे पार्टी देगा या मुझे कुछ बना के खिलाएगा टेस्टी सा जिसमें इसको मेरी मदद नहीं चाहिए। पोहा तो मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं है दोस्तों। देखो कैसी पार्टी इसने बोली है, पोहा पोहा। क्या अच्छा लगता है? अरे जैसे कोयल बोलते ना वैसे आवाज आई तुम्हारी, पोहा पोहा। ओ भाई टेस्टी बनाए, तुम बताओ ना। मैंने ना पनीर नहीं खाया, मैंने सिर्फ ये खाया। क्या बोलते हैं पनीर के साथ खा के देखता हूं। कितना स्पाइसी है, तुमने रायता भी नहीं खाया। ये भी वही तो देख के, पहले ये देखा मैंने फिर मैं ये देखा। तो हमें जल्दी से बताएगा। और कल मैंने दूसरा वीडियो डाला था जिसमें मैं बता रही थी कुछ इन्फॉर्मेटिव, तो वो इन जनरल आप लोगों को भी कुछ नया पता चला होगा उस इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, ऐसा मैं उम्मीद रखती हूँ। क्योंकि हम थोड़े बिजी थे तो अमित नहीं था तो मेरे को वो वाला वीडियो बनाना पड़ा। इसमें मिर्च थोड़ी तेज है, पुदीना का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। एक मिर्च डाली थी ना आप लोगों को तो पता ही है, मिर्ची बहुत है तो हाँ थोड़ा रायता था और मिर्ची टेस्टी। आज तो मैंने तीखा खाना बनाया, बहुत टेस्टी खाना बना है एकदम मस्त। इसमें बस थोड़ी सी मिर्ची एक्स्ट्रा है। वैसे तो अच्छा बनाया, अगर अच्छा ना भी बनाओ तो अमित के पास कोई ऑप्शन नहीं है कुछ और बोलने का। नहीं कभी ऐसा हुआ नहीं है तुमने थैंक यू। अभी भी अभी अमित ने ये भी नहीं बोला कि ये मुझे पार्टी कब देगा। भाई बताओ बताओ, मैंने इसको 80,000 की पार्टी दी, मैंने इसको 35,000 की पार्टी दी थी। 1,00,000 पे तुम्हें पार्टी दी? मैं नहीं मानता मेरे को। हाँ 20,000 सब्सक्राइबर रहते हैं रवीना के, 1,00,000 पे रवीना जी को अमित की तरफ से पार्टी। कुछ भी बनाएगा अमित अपने हाथ से रवीना जी के लिए। और भी मुझे नहीं चाहिए दोस्तों ऐसी पार्टी। और भी कुछ सोच सकता हूँ मैं, पार्टी पार्टी में मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, लेकिन 1,00,000 से ये तो जल्दी से 1,00,000 कर दो आप लोग ताकि मेरे को जल्दी से पार्टी मिले, है ना? पक्का डैम श्योर। चलो अब हम खाना खाते हैं और बाय बाय, आपसे मिलते हैं। अगर सुबह कुछ मैं रिकॉर्ड कर पाई तो सुबह, नहीं तो यहीं पर ये व्लॉग समाप्त हो जाएगा। और बी हैप्पी कीप स्माइलिंग, बाय। कोई बात नहीं, मिलेंगे। हाँ।